बस ये एंट्रेंस आ ही गई है, अभी जाते हैं प्रॉपर पाइपलाइन ट्रैक पे और देखते हैं। चलें जी, वो सामने टिकट बूथ नज़र आ रहा है। पाइपलाइन ट्रैक के लिए शायद यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। आए देखते हैं, पाइपलाइन ट्रैक प्रॉपर शुरू करते हैं। आज के इस ट्रैक में बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो आप पूरी देखिएगा, आप इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक टिकट दीजिएगा पाइपलाइन। लें जी, ये बकायदा पाइपलाइन ट्रैक का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। ये इसके गेट्स हैं जो शाम 5 बजे जो है ना बंद कर दिए जाते हैं, सुबह 8 बजे खुलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, स्टिक बेचनी है? ठीक है, थैंक यू। दरख्तों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है जी, पत्तों के ऊपर, ये देखें तनों के ऊपर, उधर पत्तों के ऊपर। ये एक दरख्त का लिखा हुआ है जी, उसके लुक, हाउ एम आई इम्पोर्टेंट फॉर यू। दरख्त टूटा हुआ है कोई आंधी या तूफान वगैरह की वजह से, ये इन्होंने फिर काट के यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। अच्छा ट्रैक है यार, खूबसूरत जगह है और साफ सुथरी बर्फ़ है। अच्छा, मुझे लग रहा था रश काफ़ी है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल रश है। वो देखें दरख्त के ऊपर कितनी बर्फ़ पड़ी। ये देखिए सारी बर्फ़ दरख्त के ऊपर पड़ी हुई है, बर्फ़ का दरख्त बना हुआ है। सफेद हो चुके हैं रास्ते सारे। मेरा प्लान तो ये है कि मैं दूंगा गली निकलूं जाके, और वहाँ से फिर मैं वापसी का रास्ता पकडूं, क्योंकि टाइम मेरे पास अब कम रह गया है। मुशपुरी का ट्रैक मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता अभी, बाकी वहाँ जाके देखते हैं। अगर मुझे वापसी के लिए वहाँ से गाड़ी वगैरह ना मिली तो हो सकता है मुझे फिर वापस इधर खानसपुर आके रहना पड़े, लेकिन अभी मैं कोशिश तो यही करूँगा कि मैं पहुँच जाऊँ। तकरीबन 4.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है और अभी तो 500 मीटर भी नहीं हुए। ये है कि ट्रैक अच्छा है, खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है चलने में भी, और नज़ारे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें दरख्तों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, जो दरख्त थोड़े से घने दरख्त हैं उसके ऊपर तो पूरी बर्फ़ की तह जमी हुई है। जैसे ये देखें पूरी तह जमी हुई है बर्फ़ की। ये बैठने के लिए, रेस्ट के लिए एक पॉइंट आ गया है रास्ते में। चलें जी, रेस्ट के बाद दोबारा अपना ट्रैक शुरू करते हैं। जी तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड में कौवा बोल रहा है बहुत ऊंचा, बड़ी अजीब सी आवाज़ है उसकी। बाकी ये है कि नज़ारे बड़े प्यारे हैं, बर्फ़ सफ़ेद बिल्कुल पड़ी हुई है, पाउडर की तरह है। और इकोसिस्टम के ऊपर और नीचे तक बर्फ ही नजर आ रही है। मैं नहीं भाग रहा हूँ, लड़की की तरह चल रहा।
आप इस्लामाबाद से आए? मुल्तान से। मुल्तान से जी। बड़ी दूर से ट्रैवल किया आपने? करना पड़ता है, वहाँ पे तो ये बर्फ़ देखनी पॉसिबल नहीं है ना। वहाँ पे गर्मी पॉसिबल है, ज़्यादा होती है वो। गर्मी होती है तो आप आम खाते हैं यार, गर्मी ना हो तो फिर आम भी मशहूर ना हो। आम मुल्तान से आते ज़्यादातर? मुल्तान से ही आते हैं, जो सही टेस्टफुल आम है। आप मुख्तलिफ इलाकों के 5 आम इकट्ठे रख लें, खाएं, आपको खुद पहचान जाएंगे कि मुल्तान का कौन सा है। आप पूछेंगे कि यार ये किधर से आया है? हमारे बावलपुर से आते हैं। चलें बावलपुर का कह लें। आप बावलपुर से हो? देखें जी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये कुछ मंचले भी यहाँ पे आए हुए हैं। सफ़र जारी है जी, अभी कोई 20% मेरा ख्याल है कवर हुआ है, तो अब ज़रा कोशिश करते हैं ज़रा जल्दी जल्दी चलें और सफ़र जल्दी कंप्लीट करें। मैंने जो अपनी आउटर सॉक्स ली है ना, ये मुझे बहुत तंग कर रही हैं, ये बार बार उतर रही हैं, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ता है, इनको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर मसला ये है कि कोई बैठने के लिए जगह भी नहीं आती इतनी जल्दी जल्दी ना, जितनी जल्दी जुराबें उतरती हैं, तो ये एक इशू है। यहाँ तक तो ट्रैक बहुत आसान है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आई, बल्कि बहुत पीसफुल और इन्जॉयबल ट्रैक है। बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे, बड़े तो खैर हैं ही, लेडीज़ भी हैं। अभी अभी एक साम मिले, वो सिर्फ स्वेटर के अंदर जो है ना फिर रहे हैं यहाँ पे, स्वेटर भी बगैर बाजू वाला जो स्वेटर है उसके अंदर, कैप भी सर पे नहीं ली हुई उन्होंने। अमेजिंग। वो अच्छे हैं स्पाइक वाले, बिल्कुल। वीडियो बना रहे हैं ना? सलाम, कैसे हैं? जी भाई, ट्रैवल एंड टेल के नाम से है चैनल। थैंक यू। अच्छा, हमें बीच में ले भी हम चेक करेंगे। थैंक यू। कहाँ से आप? कहाँ से? बहावलपुर और बहावल नगर। मैं मुल्तान से हूँ।
बड़ा वसी नज़ारा हो जाता है जी यहाँ से आके। मुझे लगता है कोई हाफ वे तो शायद हो गया हो, लेकिन मुझे इस तरह का कोई वो नज़र नहीं आया कितना सफ़र हो गया। लेकिन अब चल पड़े हैं इंशाल्लाह, ट्रैक कंप्लीट तो करेंगे। तकरीबन हाफ वे हो गया है जी, इंशाल्लाह ट्रैक कंप्लीट करेंगे। अभी तक तो कोई इतना फील नहीं हुआ, बिल्कुल आसान ट्रैक है यहाँ पे। तीन किलोमीटर हो गया, तीन रह गए, एक हुआ है अभी। सॉरी मैंने देखा नहीं आप लोगों का। अभी तो 3 किलोमीटर पड़ा हुआ है जी, मैं समझ रहा था शायद हाफ हो गया और हाफ रह गया। चलें, करना तो है पूरा इंशाल्लाह, ट्रैक आ चुके हैं। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, बच्चों को लेके आएँ, फैमिली के साथ आएँ, अकेले आएँ, जैसे पॉसिबल हो। ये आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा इंशाल्लाह। आप बहुत सेहतमंद, बहुत फिट, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इंशाल्लाह। बहुत नीचे तक बर्फ़ है यार, ये देखें दरख्त से गिर भी रही है, चढ़ रही है बर्फ। खूबसूरत जगह, अच्छे खूबसूरत लोग, बड़ी नेमत है जी अल्लाह की। सामने पत्तों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, तो ऐसी शरारत सी मेरे दिल में आ रही है कि मैं उसको हिला के देखूं, शायद गिर जाए। लेकिन नहीं यार, इसका तो कोई नीचे तक नहीं आ रहा, तो ऐसे ही चलते हैं शायद। ये देखें जी, नीचे तक बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फजार। ये बर्फ़ जो है पाँव के नीचे आके क्रिच क्रिच की जो आवाज़ निकालती है ना, अभी तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन शायद जो मुकामी लोग हैं यहाँ के, जिनका रूटीन की होगी, तो उनको शायद इतनी अच्छी ना लगती हो, मुझे तो अच्छी लग रही है यार। नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे मैं आया, या अगर आप में से कोई देख रहा हो वो आए, तो ये सॉक्स का कोई हल करके आए भाई, ये उतर जाती हैं यार पाँव से। ये दरख्त के ऊपर जो है ना स्नो पड़ी हुई है, बड़ी अच्छी लग रही है। ये फिर उतर रही है, और अभी कोई जगह देखता हूँ इसको मैं सेट करने के लिए। है भी ज़रूरी चीज़, क्योंकि इसके बगैर जो है ना पाँव टिकता नहीं है, फिसल जाता है। लें जी, एक तो उतर के गिर गया, दूसरा उतरने के करीब है। Thank you.
1.2 किलोमीटर रह गया बेटा आगे। ये रेस्टिंग प्लेस बनी हुई है और एक इधर भी बनी हुई है। वहाँ पे एक कपल बैठा हुआ था तो मैं उनकी जो अलहदगी में मुखल नहीं हुआ, मैंने कहा यार मैं कोई और जगह देख के बैठ के अपनी सॉक्स सेट कर लेता हूँ, उनको भी अकेले बैठने और एंजॉय करने का पूरा हक है। अखलाकी तौर पे हमें एक दूसरे की जो है तन्हाई है उसका प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपको मेरे जूतों की मेरे पाँव की आवाज़ें आ रही होंगी शायद। यार ये एक पत्थर आया है, मैं जिस पे बैठ के शायद अपनी जुराबें ठीक कर सकता हूँ, तो मैं वो करता हूँ फिर फिलहाल। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप करिए से। थैंक यू। ये आपका ग्लव गिर गया है भाई यहाँ पे। वेलकम। हम ज़रा तेज़ चलते हैं जी, अभी बहुत बड़ा है सफ़र तो उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे शाम हो रही है तो ये बर्फ़ जो है ये हार्ड हो के ऊपर इसके पाँव टिकाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है और फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो छिल के घर पहुँचने से बेहतर है, किसी फ्रैक्चर वगैरह से अल्लाह बचाए। तो ज़रा कवर करते हैं तेज़ी से और फिर आगे चल के आपसे बात होती है। ये यहाँ से ज़रा खूबसूरत सी स्काई लाइन देखें, यहाँ पे जो राइट साइड पे आपके काफ़ी वास्ट व्यू आ जाता है, काफ़ी खुली जगह है, दूर तक नज़र जा रही है और बहुत दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको अंदाज़ा हो सके। ये जी आप मेरे पीछे व्यू देखें कितना खूबसूरत है, उम्मीद करता हूँ अभी आधा सफ़र तो हो ही गया होगा। चलें आगे ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, एक और रेस्ट एरिया आया है बीच में, यहाँ पे तो यार रुकना बनता है भाई, यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं, जूते वगैरह सही करते हैं,
कोई पानी का घूंट पीते हैं, उसके अलावा मैं अपने पास कॉफ़ी लेके फिर रहा हूँ, अपने कप में हीट एंड कूल कप है तो वो पीते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन इतनी है कि मज़ा दे रही है। तेज़ी से ज़रा सफ़र कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि कंप्लीट करूँ इसको, अभी बर्फ़ हार्ड होना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बहुत खूबसूरत रास्ता है यार। बहुत मज़ा है बर्फ़ पे चलने में, लेकिन यह है कि अभी बर्फ़ हार्ड होना शुरू हो गई है तो अल्लाह करे जल्दी से ख़त्म हो, ट्रैक फिसलन स्टार्ट हो गई है। अल्लाह सुमान में रखे। हाँ जी, एनर्जी लेवल हाई है और ऑलमोस्ट कोई 1/4 बाकी रह गया है इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा है, चलें करते हैं, कंप्लीट करते हैं फिर बात करते हैं आपसे। ये जी बस अब तकरीबन आखिरी जो है ना उसके कुछ 100 मीटर्स रह गए हैं। यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू आया है एक। लें जी, ये आखिरी ट्रैक की जो है ना रेस्ट एरिया है ट्रैक का, और यहाँ से जो है ना बस ट्रैक का एंड आ रहा है। ये दूसरा गेट है जो कि 5 बजे क्लोज़ कर दिया जाता है। यहाँ अभी ऑलमोस्ट 3 बजे हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का ट्रैक कंप्लीट हुआ, अभी आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं आगे क्या चीज़ है। डूंगा गली इंशाल्लाह निकलेंगे, जाके वहाँ चाय वाय पीते हैं और आप लोगों से मज़ीद फिर वहाँ पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, पाइपलाइन ट्रैक का एंड हो गया है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ट्रैवल एंड टेल की तरफ से अल्लाह हाफिज़, फिर किसी नई वीडियो में रहें और अल्लाह पाक आपको आसानियां दे और आसानियां आगे तकसीम करने का हौसला दे। अल्लाह हाफिज़। ये डूंगा गली वाली साइड है पाइपलाइन ट्रैक की। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और यहाँ के मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, आप वीडियो स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं।